Good morning, friend. Welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic, in the previous lecture I gave you assignments. These are the answer of that questions. So please you can check it. First question था आपका explain the term molecule. Give three example of the atom of the some elements forming a molecule. State the atomicity of the same. Next question था आपका give one example of ये पॉइंट में था आपका अ ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल और लास्ट में था सेकंड पॉइंट में था आपका पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल. इसके आंसर्स को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका आपको टर्म मॉलिक्यूल को जिसमें एक्सप्लेन करना था तो वो है आपका एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट. ऐसे एटम जो आपके सेम एलिमेंट में पाए जाए या डिफरेंट एलिमेंट में पाए जाए कम्बाइन जब जुड़ते हैं फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एक टर्म मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल की एक पोजीशन में विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर सब्सटेंस की निर्भर करता है. एग्जाम्पल में आपके डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपकी नाइट्रोजन जैसे मैंने बताया था उसका मॉलिक्यूल आपका N होता है. ठीक है तो ये हमारे सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जो हमारा N2 है हमारा डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में आएगा. नेक्स्ट आपके डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का ही हमने ऑक्सीजन लिया है जिसमें O2 है ये हमारे O+O आएगा. ये N+N था ये आपका O+O है. जैसे कि मैंने आपको नीचे लिखे हुए हैं देखिए एलिमेंट्स मॉलिक्यूल और एटोमिसिटी. हमें इस क्वेश्चन में आपके एटोमिसिटी को भी एक्सप्लेन करना था तो एटोमिसिटी में एलिमेंट में हमने लिए हैं आपके हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का आपका जो सिंबल होता है वो H होता है नाइट्रोजन का N होता है ऑक्सीजन का O होता है. मॉलिक्यूल्स इसमें हमने डबल कर दिए हैं मतलब डाई एटोमिक हमने लिए हैं तो H आपका H2 हो जाएगा N आपका N2 हो जाएगा और O आपका O2 हो जाएगा तो एटोमिसिटी इसकी 2-2-2 हो जाएगी. अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट फॉर्मिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आपके सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ रहता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ रहता है और ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ होता है. ये इसकी स्ट्रक्चर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल. ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था ओजोन का जो एलिमेंट ओजोन आपका मॉलिक्यूल में O3 के साथ रहता है जिसकी एटोमिसिटी आपकी 3 रहती है. क्लियर. पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल में हमने फास्फोरस का लिया है जिसमें हमारा फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है 4 है और एटोमिसिटी इसकी 4 है तो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल में आपका फास्फोरस हो गया और ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल में आपका ओजोन हो गया. क्लियर. इसके आपके स्ट्रक्चर्स ये हैं. ओजोन का आपका ये है जो आपका O3 है एंड नेक्स्ट आपका फास्फोरस है जो आपका P4 है. क्लियर. सो नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक. आपका आज का टॉपिक है टर्म द कंपाउंड. कंपाउंड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे कंपाउंड क्या होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में. ये चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर. एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आपका टर्म आ रही है कंपाउंड की. कंपाउंड आपका इसमें क्या है जरा वो देखते हैं. अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कम्बाइंड केमिकली रूप से दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर आपके कंपाउंड बनाते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन जिसकी फिक्स प्रोपोर्शन रहती है. लाइक वाटर. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O जैसे कि कल मैंने आपको बताया था तो इसमें H2 है और O सिंगल है तो ये आपके वाटर की कंडीशन है. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2. C इसमें एक है और O इसमें 2 है. नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होता है इसका फॉर्मूला होता है NO2 जिसमें N एक है और आपका 2 ऑक्सीजन है. नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO. Ca1 है और O भी आपका 1 है. नेक्स्ट है आपका जिंक क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है ZnCl2. Zn इसमें एक है और Cl इसमें 2 है. तो ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं जो आपके सॉरी ये डिफरेंट एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर आपके कंपाउंड को क्रिएट करते हैं. अब देखते हैं सेकेंड इसमें है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ये क्या है उसके बारे में.
एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, जब कंपाउंड आपके एलिमेंट्स को तैयार करते हैं, सॉरी एलिमेंट जब आपके कंपाउंड को तैयार करते हैं उसमें देखते हैं आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपके डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया डेफिनेट है, जैसे वाटर में H2 ही होंगे, वो आपका एक ही कंडीशन में होगा, एक ही होगा, क्लियर। तो ये आपके डेफिनेट प्रोपोर्शन है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है 2 atom of hydrogen कम्बाइन विद 1 atom of oxygen, 2 atom of hydrogen तो H2 हो गया आपका और 1 atom of oxygen, एक हो गया आपका एटम ऑक्सीजन का, 2 gave a 1 molecule of water, तो ये हमारा 1 molecule of water का कंपाउंड के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड बी पॉइंट में देखते हैं, हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, किस तरीके से इन सभी जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं वो किस तरीके से डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में पाए जाते हैं। एग्जांपल के रूप में देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वाटर, हमने वाटर ही लिया है इसमें, आर डिफरेंट फॉर्म, ये हमारे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है लाइक हाइड्रोजन की H2 और ऑक्सीजन की O, तो ये हमारा मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एलिमेंट जो आपके कंपाउंड में पाए जाते हैं उसके बारे में, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड, हम इनको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट या पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में इन अ कंपाउंड आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS, हमने एक आयरन सल्फाइड का लिया है कंपाउंड, आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई द कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड, इस प्रोडक्ट में या इस कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते यूजिंग अ मैग्नेट, सिर्फ मैग्नेट की सहायता से ही हम इसको अलग कर सकते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा आयरन जो लोहा होता है वो मैग्नेट से चिपक जाता है इस कारण, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन, ये हमने अभी पढ़ा टर्म ऑफ कंपाउंड के बारे में, जिसमें आपने अभी पढ़ा एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्मिंग ऑफ अ कंपाउंड, फिर आपने नेक्स्ट पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, अब आप पढ़ेंगे कंपैरिजन। एलिमेंट्स जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, एंड कंपाउंड, अब इन दोनों में कंपैरिजन क्या क्या है जरा वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ये आपका वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, ये आपका टू और मोर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते इनटू सिमिलर सब्सटेंस ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड, चाहे वो फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो, हम किसी भी मेथड का यूज करके हम इसको तोड़ नहीं सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिमिलर सब्सटेंस बाई केमिकल मेथड, बट हम कंपाउंड को केमिकल मेथड के द्वारा इसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफर, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम दोज आर देयर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज डिफर होती है, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें द कंपाउंड द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला ये आपका सेकेंड टॉपिक है, इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड बाई मीन ऑफ सिम्बल, सिम्बल के द्वारा हम एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है इसमें इट डिनोट्स इन अ कंपाउंड द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट, या हम एक कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो वो नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उसके कारण बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसमें Na के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 है और आपका Cl का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 है, तो ये हमारा NaCl एक कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही सेम वाटर का देखते हैं, वाटर में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, और इसको इसमें बट हमारे 2 atom आपके प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के और 1 atom प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का, फॉर्मूला बनता है आपका H। नेक्स्ट इसी में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में आपके कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है जो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं आपके, जिसमें आपका 1 molecule ऑफ कार्बन पाया जाता है और 2 molecule ऑफ आपके ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई में आपके 2 होते हैं, आपको याद होगा आपने मैथ्स में पढ़े होंगे डाई ट्राई टेट्रा, तो डाई मीन्स 2 होता है ना, तो इसीलिए इसमें 2 molecules
ऑफ आपके ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऐसी सेम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पाए जा रहे हैं, जैसे वन मॉलिक्यूल वो वन आपका एटम पाया जा रहा है, नाइट्रोजन का टू एटम आपके पाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, तो फॉर्मूला आपका NO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम CA एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का O, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल मिलकर आपका CaO बनाते हैं। लास्ट है आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड में आपका जिंक ZN और Cl पाया जाता है, जिसमें वन मॉलिक्यूल आपका ZN और टू एटम ऑफ Cl का पाया जाता है, फॉर्मूला बनता है आपका ZnCl2। सो दीज आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट द वीडियो आई गिव द असाइनमेंट आर असाइनमेंट है आपका एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंपाउंड, आपको टर्म ऑफ कंपाउंड एक्सप्लेन करना है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ आ कंपाउंड कंटेनिंग, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स और कंपाउंड कंटेनिंग जो कंपाउंड अपने साथ रखते हैं उनके बारे में बताना है, जिसमें ये चार दे रखे हैं आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जैसे कि मैंने भी आपको बताया वन टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर आपका H2O बना रहे हैं, ऐसी सेम आपको ये सब इनके बताने हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन इनके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कैल्शियम और ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टेट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर प्रूव दैट इट इज अ कंपाउंड, आपको टू स्टेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बतानी है वाटर की जो प्रूव करें कि वो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, आपको केमिकल फार्मूला की टर्म को एक्सप्लेन करना है, स्टेट अ केमिकल फार्मूला डिनोट, और आपको एक फार्मूला डिनोट करके भी बताना है एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन गिव द सिंबल एंड द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट, नीचे जो आपके फॉर्मूले दिए गए हैं इसमें कितने कितने एटम्स सॉरी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो आपको बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, आपको कंपैरिजन बताना है एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। सो नाउ लेक्चर इज कंप्लीट, आई मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम।